नमस्कार। हमारी आज की रेसिपी है तिल की चिक्की या तिल के पापड़। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी रहते हैं। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ एक कटोरी तिल लिए हैं, एक कटोरी शक्कर, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और आधा चम्मच घी लिया है। सबसे पहले हम कढ़ाई में तिल डालकर उसे धीमी आंच में भून लेंगे। हमें तिल तब तक भूनना है जब तक कि उसमें से आवाज़ नहीं आती और ये कढ़ाई में उछलने ना लगे। अब ये तिल भून गए हैं, हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब एक भारी तले की कढ़ाई लेंगे, उसमें घी डालते हैं। घी पिघलने पर उसमें शक्कर डालते हैं। हमें इसमें पानी नहीं डालना है और आँच को एकदम धीमी रखना है। धीरे धीरे इसकी शक्कर पिघलने लगेगी और इसकी चाशनी बन जाएगी। जब तक शक्कर पिघल रही है, हम एक बोर्ड पर या चकले पर घी लगा लेंगे और उसे चिकना कर लेते हैं। हम बेलन पर भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे। अब हमारी शक्कर भी थोड़ी थोड़ी पिघलने लगी है। इसमें कोई क्रिस्टल नहीं रहना चाहिए। अब इसकी अच्छी तरह से चाशनी बन चुकी है। अब हम इसमें तिल डाल देते हैं और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस की आंच को बंद कर देंगे। हमने गैस बंद कर दिया है। अब हम सारा मिश्रण इकट्ठा कर लेते हैं और चिकनाई लगी बोर्ड पर या चकले पर उसे डाल देते हैं। और अब बेलन की सहायता से, घी लगे बेलन की सहायता से उसे हमें बेलना है। हम इसे पतला बेलते हैं। यदि आपको इसके चौकोर टुकड़े चाहिए तो आप इसे हल्का गर्म होने पर इस तरह से निशान लगा सकते हैं। बाद में उसी जगह से तोड़कर उसके चौकोर टुकड़े बनाए जा सकते हैं। इस तरह हमने पापड़ बेल लिया है। आप चाहे तो इसके छोटे छोटे पापड़ भी बना सकते हैं। इस तरह से तो अब हमारे ये पापड़ बिल्कुल तैयार है। ये बहुत अच्छे क्रिस्पी बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।